नमस्कार, फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए कुछ लाइव तरीके दिखाए जा रहे हैं, जिसे उपयोग कर आप अपनी बकरियों को बीमारियों से बचा सकते हैं और अपनी बकरियों को सुंदर बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि जब बकरियों के खुर गलने लगते हैं तो कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है और बकरियों को सिंगों को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। ऐसा करने से आपकी बकरियों का वजन और कीमत भी बढ़ जाएगी। ये मेरा नाम नईम है और ये बकरे का बिजनेस करते हैं हम। ये पोनालिया के माल बेचते हैं हम, जैसे कि और ये छोटा माल जो लेते हैं उनको ट्रैक लगा देते हैं ताकि इसमें पता चले कि हमारा महीने में कितना वजन बढ़ रहा है कितना नहीं। बहुत से लोग कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं, उसे खदाने खिलाने के उसमें उसके हिसाब से टैग इस मारे मारते हैं इसको, ताकि आदमी इसमें वजन लगावे, इसमें देखे 5000 का लिया, अब जो खिला के वजन पे कितना बढ़े। बहुत से बाहर वजन पे बेचते हैं और बहुत से कुर्बानी के लिए बेचते हैं। और ये सिंग इनके लिए जो दाएँ बाएँ सिंग एक टेढ़े मेढ़े होते हैं, कटवा के जानवर का वेट नहीं बढ़ता इससे, इस मारिश के सिंग ये बनाने के लिए ताकि जानवर को परेशानी ना हो, इस मारे सींग बना के देते हैं। ये पूंछ बनाने में जानवर को परेशानी नहीं होती, बाल बढ़ जाते, इससे खूबसूरत भी लगता है और जानवर को सुकून भी मिलता पूंछ बना के। ये वजन नहीं, जानवर को जो सुकून मिलेगा जब भी तो वेट बढ़ेगा। सींग भी इसी मारे बनाते, कहीं सींग अटक रहा है कहीं वो, उसकी वजह से परेशानी, तो जानवर ध्यान नहीं होता फिर उसका। इस मार को सींग खुर हर चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है। इसका फ़ायदे भैया आगे जाके वेट जल्दी से चढ़ेगा, क्योंकि मान लो कोई चीज़ बीमार है इंसान, उसको बीमारी परेशान करे तो कुछ भी दवाई कुछ भी खिलाओ असर नहीं होता। उसके बाद सींग बनाया कोई भी चीज़ परेशान, उसका ध्यान रखना पड़ता है हमको, और फिर इससे जानवर तेज़ी से चलता। अन्य खिलाओ जाओ पता नहीं, सब आदमी खिलाता माल पर कहता वजन नहीं बढ़ता, तो इसी मारे ऐसे ही रहता है। जी हमारा व्यापार है, जिसको जिस तरीके भी माल चाहिए, हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा अपना कार्ड है, जिसको जैसा माल चाहिए उसको दे देते हैं, जिसको जो भी क्वालिटी चाहिए, यानी शहर में हमारा पूना में मेरे भाई जो भी जहाँ से भी होता ऑनलाइन काम है सारा अपना। अभी इसमें लौंग पत्ती है, जैसे लौंग पत्ती है, दाना है इसमें, गेहूं है, अलग अलग जो जानवर को जो पसंद हो उस हिसाब से दाना गिरते हैं उसको। वेट बढ़ाने के लिए चना है इसमें, जैसे कि मक्की है, अलग जिस तरीके से मैं तो भैया ने बताया था, मेरे बड़े भाई करते थे उनसे सीखा मैं। अभी शुरुआत तो ये कोई भी इसमें नुकसान का कोई काम नहीं है इस काम के अंदर, बस ये इसका ध्यान रखने की बात है, जो ध्यान नहीं रखेगा तो वो नुकसान में रहेगा, इसमें कभी नुकसान नहीं है इसमें, बस अपनी देख रेख पे ऐसा रहा इसका दार मदार। मान लो हम कोई भी बकरा ले, मान लो 10000 का बकरा ले, उसका ध्यान ना दे पाओ तो बेकार है, ध्यान दे पाएंगे वही आगे जाके बढ़ेगा। बीमारी जैसे इंसानों में ऐसे जानवर को होती है, किसी में टाइफ जैसे इंसान को टाइफाइड हो जाए, ऐसी जानवरों के अंदर बीमारी है, ऐसी डॉक्टर भी है, खुद भी कुछ देसी दवाई है, कुछ वैसी भी है इंग्लिश भी, वो तो कोई नहीं, देसी में जैसे मुँह आ जाता है जानवर का, खाता नहीं जानवर, उसके लिए नमक तेल हल्दी वो मुँह वाले देसी दवाई के लिए, इसमें अन्य इंजेक्शन लाता है उससे मोरोमैक्स, वो इंजेक्शन लगा देते हैं अगर इस पर देसी नहीं। शहर में तो गाँव में तो देसी इलाज होता है, शहर में इंजेक्शन लग जाते हैं। कीमत बढ़ेगी, जब वजन बढ़ेगा तो इसमें कीमत तो बढ़ेगी। खूबसूरत देखा आदमी देख के लेगा बक्के, जब खूबसूरत देखोगे जब भी तो अच्छा लगेगा, अनु उबड़ खाबड़ लगा क्या देखेगा आदमी। किसान को तो जानवर की देख रेख के जितने रखेगा उतना बढ़ेगा, जानवर को ध्यान है, खुर नहीं है इसके, खुर देखे पैर टेढ़े मेढ़े नहीं हो रहे, वजन चलने परेशानी जानवर को, सींग देखे इसका कहीं चुप तो नहीं रहा, कहीं थानों में देखे परेशानी, कई इसमें देखे। सबसे पहले तो मौसम की इसके अंदर बहुत बड़ी बात होती है, बरसात है तो उस हिसाब से माल को रखे, बरसात से बचावे माल को अपने, और सफाई रखे जाते, जितनी सफाई रखेंगे उतना जानवर अच्छा रहता है, जितनी गंदगी रहेंगे पैरों से गंदगी से बीमारी लगती है, अब बीमारी लगे सब में फैल जाएगी, जितना सफाई का ध्यान है इतना बढ़िया रहता है। मान लो इसमें एक दफ़े करने के बाद एक महीने के लिए बहुत रहता, एक महीने तक बीमारी से लड़ता, एक दफ़ा इंजेक्शन लग गया एक महीने के लिए बीमारी से रुका रहेगा, उसके बाद फिर देखा डाउन चला, देखना पड़ता जानवर कौन नरम हो रहा, देखो फिर उसका फिर दोबारा करना पड़ता। ठीक, तो जैसे कि जानवर के अड़े कई साइड में, जैसे इंसान के नखून होते हैं ना टेढ़े मेढ़े, इंसान को मान लो किसी चीज़ में अड़ के परेशान देते, ऐसे ही जानवर का हिसाब है। मान लो
इधर दिमाग है इसका, इसमें सींग बढ़ गए, साइड में लगने लगे, खाएगा नहीं, परेशानी होगी जानवर को। मैं तो छोटे से काम से इसमें 150,000 से स्टार्ट करा था मैंने शुरू में, कि इतनी कैपेसिटी नहीं थी, डरता था शुरू में काम करने। अब धीरे धीरे जैसे उसका तजर्बा होता गया, ऐसे काम बढ़ाता गया। भाई इसके अंदर सबसे बड़ी कमी जो देखभाल नहीं करेगा, वह हुआ है इसके अंदर देखभाल की मेन बात। इसके अंदर नो पैसा चाहे कितना हो, देखभाल ना करो तो बेकार है। आज तो बहुत ऊपर वाला का शुक्र है, बहुत अच्छा काम है, जो खुद देखभाल करते हैं हम। ये नहीं कि बहुत सा आदमी नौकर लेबर लगा लेता, नौकर लगा उन पर छोड़ देता, ये नहीं, नहीं लेबर भी लगाओ तो खुद आके चेक करो सुबह शाम कौन सा जानवर बीमार चल रहा है, कौन सा नरम है, कौन सा, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि लेबर पर छोड़ कोई ध्यान नहीं देता, अपने वाले खुद देखना पड़ेगा। वहाँ तो 20 लाख 10 लाख कोई भी एक गाड़ी कल से 10 लाख में बनती है उसमें जैसा भी है, और उसमें गाड़ी में हमको मिल जाते हैं 1-2 लाख रुपये मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हो, जहाँ कोई सूचना देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।